जैसा कि आपको पता है, जो Realme 9i स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन जो इसकी प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 14,000 रुपए। लेकिन जो ज्यादातर जो यूट्यूबर्स थे, ज्यादातर लोगों ने जो इसकी प्रेडिक्शन लगाई थी, वो कह रहे थे कि लगभग 12,000 यानी 12,000 रुपए के अंदर अंदर ये जो स्मार्टफोन ये आ जाएगा। लेकिन जो Realme है उन्होंने इसको लॉन्च किया है 14,000 की कीमत पर। अब जो इतनी कीमत पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी देना तो बिल्कुल बनता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसकी प्रॉब्लम्स, जो इसके इश्यूज जो कि आपको पता रहने चाहिए। अगर आप एक नया स्मार्टफोन या फिर इसी स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको जरूर पता रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है। अगर आपको उनकी परवाह नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना देर के मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला इशू देखने को मिल सकता है वो है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अच्छी है, लेकिन जो इस प्राइस रेंज में मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको दी गई है IPS डिस्प्ले। IPS डिस्प्ले की जगह अगर ये AMOLED होती तो काफी अच्छा हो जाता। साथ ही साथ इसमें आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, जो कि अगर 120Hz हो सकती थी, क्योंकि काफी ज्यादा स्मार्टफोन है जिनमें 120Hz की जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो चीजें इसमें से अगर एक भी चीज इसमें होती तो काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन इन्होंने दोनों में प्राइस कट की है और 14,000 के अंदर जरूर इनमें से एक ना एक चीज इनको देनी चाहिए थी। उसके बाद बात करें इसकी पावर की, क्योंकि ज्यादातर लोग पावर को देखते हैं, क्योंकि कोई अगर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहा है या फिर किसी अदर हैवी वर्क के लिए स्मार्टफोन ले रहा है, तो उसके लिए उनको प्रोसेसर वगैरह देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम 680 प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपके डेली यूजेज के लिए काम दे सकता है। अगर कोई अपने गेमिंग के लिए लेना चाहता है तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सी गेमिंग हो सकती है, आप हाई लेवल की इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अगर करना भी चाहोगे तो यहाँ पे हैंग वगैरह हो सकता है। साथ साथ इसमें जो GPU दिया गया है वो दिया गया है Adreno 610, जो कि काफी अच्छा नहीं है। मतलब कि आपको सिंपल लेवल की, जैसा कि मैंने बताया कि आप एक सिंपल लेवल की गेमिंग कर पाओगे, बिल्कुल हाई एंड की गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो मतलब कि अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, कोई अदर आपको ऑप्शन जरूर देखने चाहिए इसको लेने से पहले, क्योंकि जो इसकी प्रोसेसर है वो मैंने आपको बता दी इसकी प्रोसेसिंग भी। अगली बात आती है इसके कैमराज की। कैमरा से मेरे को पर्सनली भी काफी ज्यादा इश्यू है इससे, क्योंकि जो इसमें आपको कैमराज दिए गए हैं उसमें आपको रिकॉर्डिंग की बात करें तो जो आपको रियर साइड में अगर आप रियर कैमरे से जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें आपको 1080p का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब 1080p तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30fps पे, 60fps पे नहीं, 30fps पे, जो कि आपको पता होगा कि 60fps तो कम से कम इस टाइम पे होना चाहिए था। साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है वो 16MP का, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन इसमें भी वही इशू है कि इसमें भी आप 1080p तक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30fps पे। तो ये दोनों चीजें जो कि आपको दी गई हैं इस स्मार्टफोन में मेन प्रॉब्लम थी इसकी। लेकिन बात करें और फीचर्स की, तो और फीचर काफी अच्छे अच्छे इसमें दिए गए हैं। जैसे अगर बैटरी की बात करें, बैटरी काफी अच्छी दी गई है, साथ साथ और भी जो चीजें हैं वो काफी अच्छी इसमें दी गई है। लेकिन जो 14,000 की रेंज में इसको लॉन्च किया गया है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस ही मेरे को लगता है। लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर सोच के और ऑप्शंस देख सकते हैं, मार्केट में और भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं तो उनको देख के आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आप ऐसे ही मोबाइल रिव्यूज को जानते रहना चाहते हैं, मोबाइल रिव्यूज को, मोबाइल न्यूज को देखते रहना चाहते हैं, तो वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल को लीजिए।